बिना नक्शे के बने भवनों पर चलेगा बुलडोजर, बरेली। अवैध भवनों पर चलेगा बीडीए का बुलडोजर, बिना नक्शे के बने भवनों पर चलेगा बुलडोजर। चार नए बुलडोजरों को खरीदने का प्रस्ताव तैयार। चुनाव से पहले भी अवैध संपत्तियों पर चला था बुलडोजर। नवनिर्वाचित सभी विधायकों को आवास आवंटित, लखनऊ। यूपी में नए मंत्रियों के लिए बंगले गाड़ियां तैयार। सभी 403 विधायकों को अलॉट हुए आवास। यूपी में नए सरकार की आकार लेने की तैयारियों के साथ ही राज्य संपत्ति विभाग ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। सभी 403 विधायकों को आवास का आवंटन किया जा चुका है। मंत्री पद की शपथ लेने वालों के लिए बंगले भी तैयार हैं। मौजूदा सरकार के मंत्री अपने आवास में रह ही रहे हैं, दोबारा जगह मिलने पर वे वहीं बने रहेंगे। नए लोगों के लिए भी आवास तैयार करा दिए गए हैं, जिनका जरूरत के हिसाब से आवंटन किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य संपत्ति विभाग के पास करीब 200 गाड़ियों का भी बेड़ा है। जरूरत होने पर किराए पर भी गाड़ियां ली जाएंगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दिनेश पाठक के पुत्र का निधन, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस दिनेश पाठक के छोटे बेटे हिमांशु, उम्र 17 साल की, प्रयागराज में हादसे में मौत। चौथी मंजिल पर रेलिंग के सहारे खड़ा होकर मोबाइल चला रहा हिमांशु रेलिंग से सरक कर चौथी मंजिल से नीचे आ गिरा। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच चली गोली, लखीमपुर खीरी। जमीनी विवाद के बीच दो पक्षों के बीच में गोली चली, 5 लोगों को लगे छर्रे, 2 लोगों की हालत गंभीर, घायलों को जिला अस्पताल में किया गया रेफर। भीरा कोतवाली के रामनगर गांव की घटना। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर मनोज धनकर गिरफ्तार, गाजियाबाद। घूस लेते डीजीसीआई का सीनियर इंटेलिजेंस अफसर गिरफ्तार। सीबीआई ने 60 लाख की घूस लेते किया गिरफ्तार। खुफिया अफसर और उसका एक साथी गिरफ्तार। आवास दफ्तर पर सीबीआई टीम ले रही है तलाशी। शिकायत के आधार पर 1 करोड़ की मांगी गई थी रिश्वत। 60 लाख की पहली खेप देने के दौरान ही गिरफ्तार। सीबीआई ने ट्रैप लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की। सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर मनोज धनकर अरेस्ट। धनकर के साथ निजी व्यक्ति राकेश भी अरेस्ट। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया इस्तीफा, लखनऊ। आरएलडी ने बैठक स्थगित की। प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे से हलचल। 21 मार्च को होने वाली बैठक स्थगित। मसूद अहमद ने कल दिया था इस्तीफा। जयंत चौधरी पर मसूद ने लगाए गंभीर आरोप। मसूद ने चिट्ठी लिखकर उठाए हैं सवाल। उन्नाव विधायक ने किया अनोखा काम, उन्नाव। उन्नाव से सदर विधायक नंद गोपाल नंदी ने उन्नाव में एकमात्र टॉकीज, सुंदर टॉकीज में लगी द कश्मीर फाइल्स पिक्चर्स के सभी शो 20 मार्च से 21 मार्च तक कराए बुक। उन्होंने खुद कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों और सुंदर टॉकीज के कर्मचारियों के साथ फिल्म देखी तथा उन्नाव के लोगों से फिल्म देखने का किया अनुरोध। उन्होंने कहा, ये फिल्म मात्र फिल्म ही नहीं वरन इतिहास में जो हुआ है फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। हमारी पीढ़ी इसे देखकर यह तय कर सकती है कि उसे किस तरीके का भविष्य चाहिए। कश्मीर फाइल्स फिल्म की पूरी टीम विधायक नंद गोपाल नंदी से करेंगे मुलाकात। बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को शपथ ग्रहण समारोह का दिया निमंत्रण, लखनऊ। यूपी बीजेपी ने प्रदेश के सभी जिलों को भेजा निर्देश। हर क्षेत्र से कम 2 कार्यकर्ता 24 घंटे पहले आए। सांसद, विधायक, महापौर, चेयरमैन की सूची तैयार कर कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए। कार्यकर्ताओं के आने जाने की व्यवस्था विधायक, सांसद, महापौर द्वारा कराए जाने का निर्देश दिया। शपथ ग्रहण में आने वाले सभी पदाधिकारियों और माननीयों को प्रवेश पत्र मिलेगा। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक की तैयारियां शुरू। लखनऊ के लोक भवन में होगा कार्यक्रम। आदित्यनाथ को चुना जाएगा नेता विधायक दल। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हारे हुए विधायकों को लिखा पत्र, लखनऊ। बीजेपी को पुनः सरकार बनाने का अवसर जनता ने दिया है। इस असाधारण उपलब्धि का श्रेय आपके तप, त्याग और परिश्रम को भी जाता है। कुछ मतों से आप पीछे जरूर हार गए, बीजेपी अपनी जीत में संपूर्ण दिखती है। यह हमारे संगठन का संस्कार है। जनसेवा में वह भी सही और यह भी सही। कर्तव्य पथ पर यह क्षणिक विराम हो सकता है, विश्राम नहीं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप पूर्व की तरह निष्ठा और समर्पण से जनता की सेवा में योगदान करेंगे। देश और प्रदेश की गौरव यात्रा पर योगदान के लिए अग्रसर रहेंगे।
48 घंटे में 8 हत्याएं, कानून व्यवस्था पर उठा सवाल। प्रयागराज, संगम नगरी प्रयागराज में नहीं थम रहा है हत्याओं का सिलसिला। होली के तीसरे दिन मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मी पंकज पटेल की पोस्टमार्टम घर में मिली लाश। लाश पर कई जगह चोट के निशान, धारदार हथियार से हत्या किए जाने की आशंका। गुरपुर में तालाब के किनारे मिला अज्ञात युवक का शव। इस युवक के शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान हैं। पास ही शराब की बोतलें भी पड़ी हुई हैं। मारपीट कर हत्या किए जाने की आशंका। 48 घंटे के अंदर हुई 8 हत्याओं से प्रयागराज की कानून व्यवस्था पर उठने लगे हैं सवाल। बीजेपी ने 4 एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की। लखनऊ, बीजेपी ने 4 और एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की है। शैलेंद्र सिंह को सुल्तानपुर से, कानपुर देहात से अविनाश चौहान, बस्ती से सुभाष यदुवंश, काशी क्षेत्र से सुदामा पटेल को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। मुस्लिम महिला पर भाजपा को वोट देना पड़ा भारी। बरेली, उत्तर प्रदेश के बरेली में बीजेपी को वोट देना मुस्लिम महिला को पड़ा भारी। पति ने घर से निकाला, साल भर पहले हुई थी लव मैरिज, अब 3 तलाक के कगार पर मामला। पीड़िता ने दिया बयान, पति ने 3 तलाक कानून को किया चैलेंज, कहा बचा ले अपना 3 तलाक। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।